अरवली जिल्लाना विकास माटे सरकारे जे ग्रांट आपी हती तेने वापरवामां गैररीति थयानो आक्षेप बायडना धारासभ्य धवलसिंह झालाए कर्यो छे। ग्रांटनो अंगत हित माटे उपयोग थवानो दावो धारासभ्ये करता कह्युं के खाण खनिज सहित अनेक विभागोनी ग्रांटनो योग्य रीते उपयोग थयो नथी। 10 करोड़नी ग्रांटमांथी 3-4 करोड़ना काम थया, बाकी नाणामां गैररीति थई। आ भ્રષ્ટાચારના मुख्य सूत्रधार पूर्व अधिकारीओ होवानो धारासभ्ये आरोप कर्यो छे। ग्रांटनी फाळवणी तत्कालीन कलेक्टरे करी हती, कोईनु अंगत हित जळवाय ए रीते फाळवणी थयानो धारासभ્યએ दावो कर्यो छे। शाळामां आरो प्लांट, रमतगमतना साधनो, सीसीटीवी कैमेरा नाखवाना काममां मोटो भ્રષ્ટાચાર થયાનું નિવેદન ધારાસભ્યએ આપ્યું છે। એક જ શાળાના એક જ ઓરડામાં બે સ્માર્ટ ક્લાસ બનાવાયાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો પણ ધારાસભ્યએ કર્યો છે। આ મામલે ધારાસભ્યએ વિજિલન્સમાં પત્રો લખ્યા છે, પરંતુ કોઈ જવાબ નથી આવ્યો। જો યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો કોર્ટ સુધી જવાની ધારાસભ્યની તૈયારી છે। क्या आज डीएमएफ खाण खनिज विभाग की ग्रांट है, ये ग्रांट की अंदर जे रीते फाड़वनी थवी जी, फाड़वनी थे पीछे एन जो सदउपयोग थवो जीए, ये सदउपयोग थो नहीं। एनी अंदर धारो कि 10 करोड़ ग्रांट है, तो 10 करोड़ ग्रांट में 3-4 करोड़ रुपयाना ज काम थे। 6 करोड़ रुपयाना कामों स्पष्टपणे एवं देखाय कि भ्रष्टाचार थयो छे, एवं क्लियर मने कट जे कोटेशनों बीजी कंपनीओ पास थी लीधा, एनी सारी वस्तु सारी ब्रांडना लीधा है, एम स्पष्टपणे मने देखाय छे कि आनी अंदर क्यांक ने क्यांक भ्रष्टाचार थयो छे। अने भ्रष्टाचारना मुख्य सूत्रधार एम कहेवाय कि भाई अरवली जिल्लाना पूर्व अधिकारीओ बधा होई शके छे, सरकार सारी कामगीरी करे छे, परंतु आ जे प्रकारे थयुं छे ए मारा माटे खूब दुखनीय बात छे। अने मारो क्लियर आक्षेप छे कि आना पुरावा साथे अने हूँ विजिलन्समां पण फरियाद करवानो छुं, माननीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब मुख्यमंत्रीश्रीने पण ध्यान दोरवानो छुं, ने मौखिक पण चर्चा मैं घणा बधा डिपार्टमेंट साथे करेली छे। जे रीते डीएमएफमां सीसीटीवीनी ग्रांट छे, एमां खास तो शुं छे के पूर्व कलेक्टरश्रीनी अध्यक्षतामां आ ग्रांटनी वहेंचणी थती होय छे। पूर्व कलेक्टरश्री नरेन्द्र कुमार मीणा साहेब हता अमारा, अने ए वखते आ ग्रांटनी वहेंचणी थती होय छे। आ ग्रांट में आइटमो 1-11 आइटमो है, परंतु इन्हें 1-22 क्रम में एटले फाळवणी करी, कारण के 70 लाख की नीचे की ग्रांटो तमाम जिला कक्षाए थी फाळवणी थती हुए छे, 70-75 लाख आसपास एनी नीचे, एटले क्या कोई नु अंगत हित जाळवा माटे आ प्रकारनु कृत्य थयुं होय एवुं स्पष्टपणे देखाय छे। घणी जग्याए तो आरो प्लांट लाग्या नथी, घणी जग्याए परिस्थिति रमत गमतना साधनो छे तो एनी उपर लेबल लागेला छे, तो लेबल भले अमारा कंपनीनुं होय, परंतु ये एम आर एफ कंपनी लेबल भले हो, परंतु ये एम आर एफ न मटीरियल है ज नहीं। बीजू के ज्या कहवा वॉटर कूलर नाखा मैं ब्लू स्टार कंपनी ने वॉटर कूलर रेट कढ़ाया तो ये 70-75 हज़ार रुपया में ये लागी जाए, परंतु अँ फाळवणी 2.5 लाख रुपया की आसपास एक शाळानी अंदर फाळवणी करवामां आई है। 1 करोड़ 21 लाख कामों त्या है, बे पार्ट में फेरव्या है। एक तो क्रीडागण में जम के लपसणी ने हिंचको ने लोखंड साधनों हो साधनों अलग साधनों ये बहार लगवा, तो ये साधनों की मूल किंमत मैं जो कढ़ाई है तो ये किंमत आए 1-1.5 लाख रुपया, तो हूँ मानु छू 100% एम आप क्या क्या आज थूं है आप रोकी सकता। हम स्मार्ट क्लास की बात करूँ तो एक स्कूल में 5 लाख स्मार्ट क्लास आप स्मार्ट क्लास की ओरिजिनल किंमत तमे कोईपण संस्था में पूछी सको, कोईपण वेन्डर ने पूछी सको, कोईपण कंपनी ने पूछी सको, मेक्सिमम 1.5-2 लाख रुपया में तमाम फेसिलिटी आपी देवामां आवे, परंतु एक स्काळानी अंदर 5 लाख रुपया की फाळवणी करवामां आवी। घणी जग्याए तो एवी परिस्थिति हती कि एक रूम हतो एनी ए रूमनी अंदर आ बाजू एक दीवाले स्मार्ट क्लास छे अने बीजी दीवाले पण स्मार्ट क्लास छे, हवे एक ज रूमनी अंदर बबे स्मार्ट क्लास, एटले क्यांक ग्रांट ने पूरी करवा माटे अने कोकने व्यक्ति ने फायदो करवा माटे आ प्रकार